और मैं हूं रतांभरा आपके साथ। बिहार विधानसभा बजट सत्र का आज पांचवा दिन है। आपको बता दें कि 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन उससे पहले आरजेडी के तमाम नेता विधानसभा के वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में 15 साल से जंगल राज है, सूबे की कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि यह जंगल राज नहीं मंगल राज है। बिहार में काला धंधा दारू का काला धंधा चल रहा है, इस पर अविलंब रोक लगाए और आम जनों की जान माल की सुरक्षा करें और दारू के आड़ में एक ब्लैक इकोनॉमी डेवलप करना बंद करें। सदन के अंदर भी हंगामा करेंगे और सदन के अंदर में भी हंगामा होगा और सड़क पर भी होगा। आम जनों के सुरक्षा के प्रति जो कमिटमेंट इस संविधान। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता उत्कर्ष जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, आज पांचवा दिन है सत्र का, क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है वहां से? जी हाँ रितामरा, आज पांचवा दिन है बिहार विधानसभा के बजट सत्र का, जहां पर समापन शुरुआत होने से पहले ही आपको बता दें कि पहले तो भाकपा के जो विधायक हैं, कल जिनके साथ बदसलूकी की गई, उन्होंने आज धरना प्रदर्शन किया बाहर में और साथ साथ सरकार पे साफ तौर पे कहा कि ये जो सरकार की विफलता है कि विधायकों को जो पुलिस अफसर है वह धक्का देते हैं, और जितने भी प्रेस के मीडिया वालों को कल जो धक्का धुक्की की गई उसको लेकर भी काफी बोला। साथ साथ आरजेडी के विधायकों ने भी पोर्टिको में आकर साफ तौर पर कहा जो नशीली शराब है जिसकी वजह से लोग लगातार मर रहे हैं, जो अवैध तरीके से बिहार में जो शराब आ रही है जिसकी तस्करी हो रही है, इसको लेकर भी सरकार कुछ नहीं कह रही है और साथ साथ ये भी कहती है कि 15 साल से यह मंगल राज है, जंगल राज नहीं। पीताम्बरा जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया उत्कर्ष। तो जैसा हमारे संवाददाता ने बताया कि आज बजट सत्र का पांचवा दिन है और सरकार को आरजेडी और कई अन्य पार्टियों ने घेरा है और कई सारे सवाल किए हैं सरकार से। बिहार विधानसभा में आज एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है जन नियंत्रण कानून और बंगाल में एआईएमआईएम के ओवैसी को रैली करने की मंजूरी नहीं देने पर खेद जताया। साथ ही गया में हुई बच्ची के साथ दुष्कर्म को गलत करार देते हुए सरकार सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, सांप्रदायिक शक्तियों का एक ही हथियार है गद्दी हथियाने का, सत्ता पाने का और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का, वो ये है किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाओ। कोई माई का लाल है किसी को बुला दीजिए कि कभी भी हमने, हमारे लीडर ने किसी समुदाय विशेष के खिलाफ बात की। हम हमेशा अगर 5 बच्चों को लेकर। बुधवार को हुए सीतामढ़ी मुठभेड़ मामले को लेकर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में सुशासन की सरकार नहीं है, यहाँ पर पुलिस के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, सरकार को इस मामले में जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों से खिद व्यक्त करना, अगर वो खिद व्यक्त क्या नहीं होता है? नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि ये बयान जिम्मेवार व्यक्ति अगर गैर जिम्मेदाराना बयान देता है वो अच्छी बात नहीं है। वो सीनियर आदमी है और सीनियर आदमी को तरीके से बयान देना चाहिए, धारा बना हुआ है। लेकिन आपकी सरकार, आपका प्रशासन क्या कर रहा है? आप शराब तस्करों से आपका रसूखदार। और भाकपा माले के विधायकों ने विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों और भाकपा माले के विधायक महबूब आलम पर कल जिस तरीके से पुलिस कर्मियों ने हमला किया वह काफी दुखद है, सरकार को इस मामले में संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष को निलंबित करना चाहिए। सीतामढ़ी में शराब माफियाओं ने एक दरोगा की हत्या कर दी, चौकीदार घायल है, जब शराबबंदी है। सीतामढ़ी में बीते दिन शराब तस्करों ने एक दारोगा और चौकीदार को गोली मार दी जिससे दारोगा की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद से नीतीश सरकार पर एक बार फिर से बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसी कड़ी में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सूबे में शराबबंदी को नील बटा सन्नाटा करार दिया। अरे हमारे बिधवा बनिया को बोलो।
मुजफ्फरपुर में वार्ड सदस्य से अपराधियों ने रंगदारी की मांग कर रहे थे। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। घटना की जानकारी होने पर ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन किया। इस घटना के संबंध में बताया गया कि वार्ड सदस्य शत्रुघ्न शाह अरविंद राय वार्ड में ही नल जल योजना का काम करा रहे थे और इस संदर्भ में वार्ड सदस्य शत्रुघ्न शाह सरकार थाना में लिखित आवेदन दिया है। मामला नल जल योजना के तहत जो काम हो रहा था हम लोग का, इसमें यही है कि बार बार हम लोग बहुत बर्दाश्त किए, बार बार अड़चन डाला जा रहा है। अड़चन यही है कि वही पैसा चाहिए उनको, तब काम होने देंगे। दिक्कत दे रहा है कि काम हमारा रनिंग काम को रोक दिया गया आज। जी तो आपको बता दें, मुजफ्फरपुर में वार्ड सदस्य से अपराधियों ने रंगदारी की मांग की है। यहाँ इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि जो वार्ड सदस्य हैं शत्रुघ्न शाह अरविंद राय वार्ड में नल जल योजना का काम करा रहे थे और इसी संदर्भ में उन्होंने सकरा थाना में लिखित आवेदन भी दिया है। बेतिया के नरकटियागंज में हथियार के बल पर एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल मामला शिकारपुर थाना क्षेत्र के मंगहरी गांव का है। इस मामले में पीड़िता के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घर में ढुक बंदूक दखा के घर में केहू न रहे, हम गलत काम कर दें। मजदूर आदमी है, गांव का बड़ा किसान है, उसके काम करते थे, दिन में काम करते थे, रात में वही पर थे और हम लोग टी वी चला कर बैठ कर देख रहे। रात 3:30 बज रहा था, उसके बाद में हम घर गए तो हमारे घर पर ऐसे ऐसी घटना हमारे पर जो दीदी है हमको बताने लगी। ये रामविलास जी, तो आपको बता दें कि बेतिया के नरकटियागंज में हथियार के बल पर महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है।